Hello students, now we have to start our chapter that is development. ठीक है, तो अभी तक हमने development में क्या देखा कि development is a mixed goal. कैसे mixed goal है? We need the income. Income is a priority. ठीक है, हमारे development की सबसे important जो priority है वो income है. But income के अलावा there are so many different factors which are important for development. हमने देखे थे ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. इट्स नॉट सेम फॉर एवरीवन. ठीक है, मेरे लिए डेवलपमेंट गोल अलग है, आपके लिए अलग है. और कई बार ये गोल कैसे होते हैं, समटाइम इट्स कॉन्फ्लिक्टिंग ऑल्सो. एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए क्या हो जाता है, प्रॉब्लम. ये भी हमने देखा था. जैसे क्या कौन सा एग्जाम्पल था इसका, फार्मर वाला, है ना. जो पीसेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि वेजेस कम हो जाए जिससे उन्हें ज़्यादा फायदा हो. वहीं लेबर क्या चाहती है, लैंडलेस लेबर्स, दे वांट कि वेजेस ज़्यादा हो तो उनकी लाइवलीहुड अच्छे से चल सके. तो दोनों के डेवलपमेंट गोल क्या हैं, दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, एक जैसे नहीं हैं. और कई बार एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिजास्ट्रस भी हो सकता है. जैसे कि हमने नर्मदा वैली वाला एग्जाम्पल देखा था, याद है ना क्या था उसमें, कि नर्मदा वैली से जो डैम बन रहा था वहां से काफी लोग डिस्प्लेस हो गए. क्या हुआ वहां पे, जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए उनके लिए तो वो डैम बनना डेवलपमेंट नहीं, डिजास्टर था. लेकिन बाकी लोगों के लिए वो क्या था, डेवलपमेंट, है ना. तो डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं और एक दूसरे के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की, कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा. ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट. ठीक है, अब नेशनल डेवलपमेंट में इनकम तो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है ही. अगर हम अपने कंट्री के अंदर दो स्टेट्स को कंपेयर करें, ठीक है, ये कंपैरिजन का मेन जो पॉइंट होगा दैट इज इनकम. ठीक है, पर क्या इनकम अकेला एक क्राइटेरिया है? इनकम के अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक क्राइटेरिया है. हमने देखा था ना, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, ये भी क्राइटेरियाज थे. ऐसे ही नेशनल डेवलपमेंट के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं. तो नेशनल डेवलपमेंट क्या है, नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू, एक मिनट, एबिलिटी की स्पेलिंग एक मिनट. ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन. ठीक है, अपने सिटीजन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट. ओके, फिर इसमें डिफरेंट पर्सन पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एंड
कॉन्फ्लिक्टिंग. समझ में आ गया? अब तो ये कैसे होगा, डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. ठीक है, अब एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या नोशंस, नोशंस मतलब क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इसके लिए लोगों के डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं कि किस तरीके से हम इसको कंपेयर करें. ठीक है, कि कंट्री के अंदर नेशनल जो नेशन है वो डेवलप हो रहा है या नहीं, इसको कंपेयर करने के लिए अलग अलग नोशंस या अलग अलग आइडियाज अलग अलग लोगों ने सोचा है. लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, इनकम है. इनकम के अलावा भी कुछ क्राइटेरियाज हमने लिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद वी विल डिस्कस दैट क्राइटेरियाज. ओके, ठीक है, इसको रब कर रही हूं बेटा. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम उसके लिए काम में ले सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनकम. तो पहले हम इनकम के हिसाब से कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम दूसरी चीजें देखेंगे. इनकम में भी इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होगी वो चीज भी हमें देखनी पड़ेगी कि इनकम कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. ठीक है, किसी भी कंट्री को या उस कंट्री के स्टेट्स को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे. ओके, कंपैरिजन का इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने क्या देख लिया, दैट इज इनकम. तो इनकम किस तरीके से, पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री या स्टेट में हर व्यक्ति की क्या इनकम है, एक एवरेज इनकम निकाली जाती है. ठीक है, इसे हम एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं. ठीक है, प्रॉपरली क्या किया जाएगा कि कंट्री की जो टोटल इनकम है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा विद द टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, क्या आ जाएगी इससे हमारे पास, कंट्री की टोटल इनकम, इन पर कैपिटा इनकम. क्या कहेंगे हम उसको, पर कैपिटा यानी पर पर्सन इनकम मान लेते हैं हम इसको. ठीक है, तो हम उसको नाम दिया है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम. ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से. ठीक है, देखिए We can compare different countries or states किससे किसके हिसाब पर, on the basis of on the basis of per capita income या per capita income को और क्या कहेंगे, और average income. ठीक है, हमने countries और states को per capita income या average income के basis पर compare करना है. ठीक है, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड
बाय कैसे कैलकुलेटेड होगी। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, एक कंट्री की जो भी टोटल इनकम है किससे डिवाइड कर दी जाएगी, वो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, बस ही पर्टिकुलर कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देंगे। दिस इज द फॉर्मूला। क्या निकल आएगा इससे हमारे पास, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम। ओके, इसको नोट कीजिए, फिर एक दो पॉइंट्स और लिखते हैं। ठीक है, इसको रब कर दूं। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का। अब ये जो टोटल इनकम है ये कैसे आएगी, टोटल पॉपुलेशन तो वही सेंसेक्स से आ जाती है, टोटल इनकम कंट्री की वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरीके से कंट्री की टोटल इनकम आ जाती है। पर ये पर कैपिटा इनकम निकाल क्यों रहे हैं, पर कैपिटा इनकम निकालने से पता चल रहा है कि उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इज पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज शो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शो कर रहा है, बता रहा है कि उस कंट्री के लोगों की प्रॉपर जो स्टैंडर्ड है लिविंग का वो कैसा है। इनकम के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होता है, राइज होता है या डाउन होता है। ठीक है, इनकम होगी तभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होगा। तो यहां पर इनकम अगर अच्छी है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, इनकम कम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। ठीक है, इसको भी हम और देखेंगे डिटेल में। ठीक है, इसके अलावा अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम हायर है, ज्यादा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कैसा हो जाएगा, हायर हो जाएगा, एंड देन कंट्री इज नोन एज अ डेवलप्ड कंट्री। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कम है वो कंट्री कैसी हो जाएगी, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री। तो अब हम ये कैसे कंपेयर करेंगे कि कितना पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, है ना। तो इसको कैलकुलेट कौन कर रहा है, इसके लिए एक कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड किए गए हैं बाय द वर्ल्ड बैंक, जिसके हिसाब से वो इसको कैलकुलेट करता है और बताता है कि किस कितनी इनकम होनी चाहिए कि कोई कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी
और किस इनकम पर कंट्री जो है वो पुअर कंट्री या लो इनकम कंट्री कहलाएगी। ठीक है, इसको नोट करो। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से पर कैपिटा इनकम में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है वो हम देखते हैं। इनको नोट करो, पहले हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री यानी क्या पर कैपिटा इनकम होगी फॉर द डेवलप्ड कंट्री और कितनी पर कैपिटा इनकम पर कंट्री क्या कहलाएगी, लो इनकम या अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इसको रब कर दो। अब इनको कंपैरिजन के लिए एक सर्वे किया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक। अलग अलग कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं, उन सब में कि किस कंट्री के अंदर कितनी पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, तो हमारी जो बुक है उसमें कुछ बच्चों के पास यदि पुरानी बुक है तो उसमें 2006 का डाटा दे रखा है। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट बुक आई है उसमें 2017 का डाटा दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही डाटास के साथ कंपैरिजन करके बताती हूँ। ठीक है, तो यहां पर इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 ठीक है, ये जो पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, थ्रू द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे डाटा 2006 का डाटा देखेंगे हम, और क्या देखेंगे, 2017 का डाटा देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रिच कंट्री कौन सी कंट्री कहलाएगी, रिच कंट्री। ठीक है, और कौन सी कंट्री कहलाएगी लो इनकम कंट्री। ठीक है, और फिर हम देखेंगे अबाउट द इंडिया कि इंडिया की सिचुएशन यहां पर क्या है। ठीक है, इंडिया किस में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए 2006 के हिसाब से क्राइटेरिया क्या फिक्स कर रखा है, रुपीस, ये रुपीस में है। ठीक है, इसलिए रुपीस लिखना, 4,53,000 पर एनम। ये जो निकलेगा अपना किस में निकलेगा, पर एनम। ठीक है, पर एनम में निकलेगा दोनों ही। ठीक है, पर एनम और अबव। ठीक है, या तो इतना हो या उससे ज्यादा हो। वहीं 2017 में इसको किससे कंपेयर किया गया, यूएस डॉलर से। ठीक है, 2006 का कंपैरिजन रुपीज में हो रहा है और 2017 का कंपैरिजन यूएस डॉलर में है। कितना है, 12,056 और अबाउट। रिच है ना, तो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इतना तो बेसिक है ही, इतना हो या इससे ज्यादा हो। ठीक है, वही लो इनकम कंट्री के लिए क्या होगा, कितना फिक्स किया गया है, रुपीज 37,000 और लेस। ठीक है, या तो रुपीज 37,000 हो या उससे कम हो। वहीं 2017 का किसमें है, यूएस डॉलर में है। ठीक है, तो ये कितना किया गया है, 955 और लेस। अंडरस्टूड, दोनों में कंपैरिजन। ठीक है, ये कम से कम क्राइटेरिया कर लिया है 2006 में कि कंट्री जो है वो एटलीस्ट 4,50,000
पर एनम उसकी इनकम होनी चाहिए, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए, कम होते ही किसमें आ जाएगी, रिच में नहीं रहेगी, रिच से कम में आ जाएगी, मिडिल इनकम कंट्री में आ जाएगी, अभी रिच इनकम कंट्री होगी, इतनी या इससे ज्यादा, वही 2017 का यूएस डॉलर में है। ठीक है, लो इनकम में कितना कर दिया गया है, 37,000 और लेस, 37,000 से अगर ऊपर है तो लो मिडिल हो जाएगा, है ना, ज्यादा ऊपर है उसके कम अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहां पर यूएस डॉलर में लेस में कितना हो गया, 955 यूएस डॉलर और लेस। अब हम इंडिया का देखते हैं 2006 के कैलकुलेशन के हिसाब से, इंडिया की जो इनकम थी वो थी रुपीज 28,000 पर एनम। ठीक है, ये भी हम किस में देख रहे हैं, इंडिया की भी पर एनम में देख रहे हैं। तो क्या हुआ, इंडिया रिच कंट्री लो इनकम कंट्री, यहां पर इंडिया हो गया लो इनकम कंट्री। ठीक है, वही इंडिया की इनकम 2017 में यूएस डॉलर 1820 यूएस डॉलर पर एनम थी, तो 955 है तो इससे तो ज्यादा ही है ना, 2006 में 37,000 था तो कम थी तो लो इनकम हो गई, यहां पर 955 है तो उससे ज्यादा है तो क्या हो गई, रिच तो होगी नहीं, रिच तो तब हो गई जब 12,000 से ज्यादा होगा, तो यहां तो 1,000 ही हो रहा है ना, 1,820। तो ये हो गई हमारी लो मिडिल इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है, समझ में आया इतना, ये क्या है, इट्स अ कंपैरिजन, ये वर्ल्ड बैंक ने कंपैरिजन करके रखा हुआ है अमंग टू कंट्रीज। ठीक है, कि आपस में कंट्रीज कैसे डिसाइड करेंगे कि दे आर रिच और दे आर पुअर, तो ये क्राइटेरिया किया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम एक कंपैरिजन और देखते हैं विद द पर कैपिटा इनकम। ओके, ठीक है, इसको रब कर रही हूं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम का, कि पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो है पर हमेशा क्या होगा, इट कैन नॉट बी फेयर, बिल्कुल सही हमेशा नहीं हो सकता। आप पेज नंबर देखिए 9 पर दे रखा है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज, कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज। ठीक है, दो कंट्रीज का कंपैरिजन हम यहां करेंगे। ठीक है, एक है हमारी कंट्री ए और दूसरी है हमारी कंट्री बी। ठीक है, अब यहां पर क्या कर दिया है, कंट्री ए और बी में मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, मंथली इनकम को कैलकुलेट करेंगे सिटीजन्स के, तभी तो क्या बनेगा, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, है ना, इन रुपीज। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन की इनकम, सेकेंड पर्सन की इनकम, थर्ड पर्सन की इनकम, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, 5 पर्सन का कंपैरिजन है एंड देन एवरेज निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम हम देख रहे हैं कंट्री ए की 9,500, सेकेंड की 10,500, ठीक है, थर्ड की 9,800, फोर्थ की 10,000 एंड फिफ्थ की 10,200। ठीक है, यानी टोटल कितना आ गया इन सबका, 50,000 आ गया, है ना। फिर यहां पर देखते हैं कंट्री बी में पर्सन वन की इनकम 500, टू की 500, थ्री की 500, फोर की 500।
फिफ्थ जो है उसकी 48,000 इनकम हो गई, ठीक है, इसमें ये मार्क लगा लेना रुपी का, ठीक है, 48,000। तो कंट्री ए में सबकी इनकम लगभग सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का डिफरेंस है। वही कंट्री बी में 1 से लेकर के 4 तक के पर्सन की इनकम तो क्या है, बहुत ही लो, और 5th पर्सन की इनकम क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। एवरेज दोनों का क्या आया, टोटल आ गया ना 50,000, तो कैसे निकालेंगे हम, टोटल इनकम हमने करी थी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, कितना आ गया दोनों का 10,000, यानी एवरेज इनकम तो दोनों की ही क्या आ गई, सेम है ना, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है ना, अपन ने फॉर्मूला देखा था ना उसके हिसाब से, तो एवरेज इनकम दोनों की सेम है। तो क्या दोनों कंट्रीज में हर व्यक्ति का डेवलपमेंट सेम हो रहा है? आप अगर सिटीजन हो, ए कंट्री के होना चाहोगे या बी कंट्री के? अगर बी में हो तो 1 से लेकर 4 तक की कैटेगरीज में आ गए, तो ए में तो हम किसी भी कैटेगरी में आ जाएं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो पर कैपिटा इनकम तो निकाली जा रही है, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही ये शो करे कि हर व्यक्ति का डेवलपमेंट उस कंट्री में इक्वल हो रहा है। तो इसके लिए कुछ और क्राइटेरियाज भी इंक्लूड करने इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि कंट्री का प्रॉपर डेवलपमेंट पता चले। इनकम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, लेकिन ये फैक्टर क्या है, हर जगह परफेक्ट फिट हो रहा है, कंट्री ए और बी में हो रहा है परफेक्ट फिट, दोनों की एवरेज सेम आ रही है, लेकिन डेवलपमेंट में देखें तो कंट्री ए डेवलप्ड है, क्योंकि यहां हर व्यक्ति की इनकम लगभग सेम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कंट्री बी में तो सब लोग मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन फायदा सारा 5th पर्सन को ही हो रहा है, उसकी ही इनकम सबसे ज्यादा है ना, तो हम कंट्री बी में नहीं रहना चाहेंगे। अगर हम पर्सन 5th है तो ठीक है, लेकिन अगर हम पर्सन 1, 2, 4 में हैं तो हमारी तो कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कुछ और क्राइटेरियाज भी होंगे जो कि कंट्रीज के डेवलपमेंट को शो करेंगे, ठीक है, आप इसको भी एक बार नोट कर लीजिएगा। देन वी विल डिस्कस अदर क्राइटेरियाज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल नाउ टेक केयर, बाय।